अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारा इस्लाह मुआशरा का 23वां सबक है, जिसमें मैं अपने कल की ही बात के दूसरे साइड को आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि कल मैंने ये कहा था कि शीना बोरा का जो मर्डर केस हुआ है वो दुनिया की हिर्स और हवस की वजह से, और आज उसके दूसरे पहलू को मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि ये दुनिया कितनी बेवफा है, ये दुनिया कितनी खुदगर्ज है, ये दुनिया कितनी मफाद परस्त है। यहाँ पे अगर मेरा और तुम्हारा हकीकी कोई हमदर्द है और कोई हमसे मोहब्बत करने वाला है तो वो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल है। उनके अलावा ये दुनिया अग्रास परस्तों से भरी हुई है। इस वाक़िए ने इस बात की पोल खोल दी है कि एक सगी माँ जिसने खुद अपनी संतान को 9 महीने तक अपने पेट के अंदर पाला, उसको संभाला, लेकिन जब मसला दुनिया का आया, अग्रास का आया, मादा परस्ती का आया, प्रॉपर्टी का आया, उस वक्त वही माँ अपने उस जवान बेटी की दुश्मन बन गई और उसको अपने रास्ते से उसने हटा दिया। और यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि उसका जो बेटा है वो उसको भी ख़त्म करने के लिए कई मर्तबा कोशिशें कर चुकी थी कि मेरे तरक्की के रास्ते में मेरी औलाद भी रोड़ा ना बने ये बोलकर, लेकिन किसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बचा लिया और वो अभी तक ज़िंदा है। मगर ये सारा वाकया, ये जो केमिस्ट्री है, ये जो मिस्ट्री है, ये मुझे और आपको क्या सबक देती है? ये मुझे और आपको यही सबक देती है कि दुनिया से दिल मत लगाओ, दुनिया की चीज़ों से दिल मत लगाओ, दुनिया में जो रहने वाले हैं उन पे अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा भरोसा मत करो। अगर किसी को अपना बनाना है तो वो अल्लाह और उसके रसूल को बनाओ, वो कभी मेरे और तुम्हारे से बेवफाई नहीं करेंगे। उनके अलावा ये सारी दुनिया बेवफाओं से भरी हुई है। सगी औलाद जिसको आपने पैदा किया है, अगर वो भी ये देखेंगी कि आपके ज़रिए से उनके अगराज और मफादात पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो आपको जूते और लाते मारने से भी अपने आप को दूर नहीं रख सकेंगे। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने देखा एक नौजवान अपने बाप को लात मार रहा है और कह रहा है कि बुड्ढे तूने हमारे लिए क्या छोड़ा, और मौलाना फरमाते थे कि वो उस बाप ने उस बेटे के लिए पूरी का पूरी एक बिल्डिंग छोड़ा जिसमें तकरीबन 100 कमरे बने हुए थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग छोड़ा, फिर बेटा बाप को लात मार के कहता है कि बुड्ढे तूने हमारे लिए क्या छोड़ा। औलाद भी जब देखेंगी कि बाप से अग्रास पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो बाप को लात मारने से पीछे नहीं हटेंगी। और मेरे एक दोस्त है, वो ड्राइविंग का काम करते हैं, मुझे अपना एक वाकया सुनाने लगे। बोले मौलाना, एक मरतबा मैं अहमदनगर गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे एक भाड़ा मिला सरकारी दवाखाने से, एक डेड बॉडी पूना लेकर आने की थी। मैं गया डेड बॉडी लेने के लिए, मैंने बॉडी लिया, पीछे के हिस्से में बॉडी को लिटा दिया और वो जो डेड बॉडी थी उसकी जो बीवी थी उससे मैंने कहा कि तुम यहाँ पे बैठो, बॉडी अगर हिलने डुलने लगेंगी तो हाथ से उसको तुमने संभाल लेना। हम लोगों ने उस औरत को पीछे बिठाया बॉडी के पास में और तकरीबन एक 30-35 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो वो औरत पीछे से आवाज़ देने लगी कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी को साइड में ले लो। हम लोगों ने गाड़ी साइड में ली, पीछे आए, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आपने गाड़ी रोकी? वो औरत कहने लगी कि मुझे ये बॉडी से डर लग रहा है, ये बॉडी हिल रही है इससे मुझे डर लग रहा है, एक काम करो यहाँ पे किसी और को बिठाओ या फिर जो है तो मुझे सामने बिठाओ, मैं ये बॉडी के साथ में नहीं बैठ सकती। तो वो मेरा दोस्त कहने लगा कि ये वाकया जब मैंने सुना उस औरत की ज़ुबानी तो मैं हिल गया और सोचने पे मजबूर हो गया, जिस मर्द के साथ इसने ज़िंदगी गुजारी, जिस मर्द के बाहों में ये सैकड़ों मरतबा सोई, जिस मर्द के बच्चों को इसने पैदा की, उसके बदन में से जान निकलने के बाद में वो औरत भी जो है उसके बाजू में बैठने को तैयार नहीं है। ये दुनिया इतनी बेवफा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपनी औलाद को, अपने घर बार को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी दुकानों को, अपने माल को, अपने बैंक बैलेंस को, अपनी दौलत को, इसको अपना हकीकी हमदर्द कभी भी मत समझो, बल्कि ये समझो कि ये सब फना होने वाली चीज़ है। मेरे और तुम्हारे हकीकी हमदर्द अगर कोई है तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनसे दिल लगाओ, अपने आप को उनके हवाले कर दो,
इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी मेरा और तुम्हारा साथ देंगे और आखिरत में भी तुम्हारे मेरे साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ रहेंगे, मौत के सख्ती के वक़्त में भी साथ रहेंगे। वरना ये दुनिया इतनी बेवफा है कि यहाँ औलाद कब्रस्तान में भी बाप के साथ में नहीं होती है। एक जगह पे मुझे नमाज जनाजा पढ़ाने का मौका मिला तो एक नौजवान को मैंने देखा, वो सूट बूट में थोड़ी दूर खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि भाई सब लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, आप भी आके खड़े रह जाओ। तो वो लड़का कहने लगा कि बोले मेरे पैर में शूज़ हैं और मैं शूज़ के साथ में नमाज जनाजा अगर मुझे पढ़ने की इजाज़त देते हैं तो पढ़ता हूँ, बाकी मैं शूज़ निकाल के ज़मीन पे नहीं खड़े रहता। जिस बाप ने इसको पढ़ाया लिखाया, इसको हायर एजुकेटेड बनाया, ये बेटा उस बाप की नमाज जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। तो ये दुनिया इतने बेवफाओं से, इतने अगराज परस्तों से, मादा परस्तों से, मफाद परस्तों से भरी हुई है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल से दिल लगाओ। एक और वाकया मुझे याद आ रहा है, एक जगह एक मैयत को गुसल देने के लिए मैं पहुंचा तो वहां पे मेरे गुसल देने के पहले ही बेटों के अंदर लाठियां और लकड़ियां लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई और एक दूसरे का सिर फोड़ने और मारने काटने तोड़ने को जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ाइयाँ हो रही है? बोले अभी बाप का जनाजा भी नहीं उठा, बाप की मैयत को गुसल भी नहीं दिया गया, प्रॉपर्टी को लेकर बेटों में लड़ाइयाँ हो रही है। कोई कह रहा है कि मुझे ये दुकान चाहिए, कोई कह रहा है कि वो खेत मुझे चाहिए, कोई कह रहा है कि फलाना घर मुझे चाहिए। ये दुनिया ऐसी दुनिया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जो वाकया है मर्डर केस का, ये मुझे और तुमको यही इबरत देता है कि तुम्हारा मेरा अगर हकीकी कोई हमदर्द और हकीकी कोई चाहने वाला है तो वह अल्लाह उसका रसूल है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।